कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा। झुकाना सीखना पड़ता है सर लोगों के कदमों में, यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। महेश जानिब का ये शेर सियासत में झुकने और झुकाने की कलाकारी को समझाने के लिए काफ़ी है। लेकिन किसके सामने झुकना है और कितना झुकना है, इस बात का ख्याल अगर नहीं रखा जाए तो सियासत में बेकदरी होते देर नहीं लगती। इसी अहम मसले पर आज देश की संसद में बवाल मच गया। मामला सीधे राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ा था। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही धनखड़ अपने झुकने को लेकर नाराजगी जाहिर करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके किसी के सामने झुकने को लेकर बवाल किया जा रहा है, उससे उन्हें काफी तकलीफ हुई है। नहीं ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल हुआ ये था कि 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस था। संसद में बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के लिए पूरी सरकार मौजूद थी। इसी दौरान जब पीएम मोदी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंतजार कर रहे थे, तभी हमारे उपराष्ट्रपति महोदय यानी जगदीप धनखड़ साहब वहां पहुंच गए और वो अपनी कार से उतरते ही पीएम मोदी के सामने झुककर नमस्कार करने लगे। उनका अंदाज़े सलाम कुछ ऐसा था जैसे मानो कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सामने आदर से भाव विभोर हो गया हो। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और कुछ राजनेताओं ने इसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दिया। इसी को लेकर राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी नाराजगी संसद में जाहिर की। नहीं, यदि अगर कोई ऐसी संस्था जिसका बहुत बड़ा स्थान है देश की राजनीति में और वो ऑफिशियली ऐसा करते हैं, आई कैन ओनली एक्सप्रेस माई पेन, माई एंग्विश, और सबसे खतरनाक बात यह है, वेन आई थॉट इट वाइज टू शेयर माई एंग्विश, माई सेंटिमेंट विद वन ऑफ द सीनियर लीडर्स, इट रिजल्टेड इन मोर चैलेंजिंग सिनेरियो बाई पुटिंग इट ऑन ट्विटर। आई थॉट विजडम विल डॉन, दे विल रिफ्लेक्ट। I am a modest man. Arrogance can never be part of my life. By nature, I am humble. If I am not, I'll try to be more humble. But अपने को संस्कारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत है झुकना, नमस्कार करना। पद की गरिमा तब रहती है जब आदमी ज्यादा से ज्यादा झुके, और ये पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को प्रधानमंत्री के पद से ऊपर रखा गया है, यानी कायदे से प्रधानमंत्री को उपराष्ट्रपति को नमस्कार करना चाहिए, लेकिन सियासत में तो कुछ भी मुमकिन है। वैसे किसी अच्छे व्यक्ति की पहचान यही होती है कि वो नम्र होता है और औरों को सम्मान देना, उसकी इज्जत करना उसके व्यवहार में होता है। लेकिन सियासत तो सियासत है, या आंखों के इशारों से लेकर रीढ़ की बनावट तक हर अदा का मतलब निकाल लिया जाता है। अनवर दहलवी का एक शेर है, वो जो गर्दन झुकाए बैठे हैं, हश्र क्या क्या उठाए बैठे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है कि हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो द न्यूज़ वीक को सपोर्ट भी ज़रूर करें।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।